हुए थे कि नहीं हुए थे? पृथ्वी महाराज प्रकट हुए थे कि नहीं? प्रहलाद महाराज प्रकट हुए थे कि नहीं? हजारों भक्त ऐसे हैं जिनको तपस्या पे कर्दम मुनि प्रकट हुए थे कि नहीं? भगवान हुए थे ना? हाँ, मनु शत्रुपा करेक्ट। ऐसे अनेकों भक्त हैं जिनको तपस्या पे भगवान प्रकट हुए हैं और उनको साक्षात दर्शन भी दिए हैं। तो भगवान का विग्रह कोई बना नहीं सकता, सेम टू सेम। जैसे एक विग्रह होता है, जैसा कोई जो विग्रह बनाने वाला होता है, तो जब किसी धातु से विग्रह बनाता है तो उस टाइम पे वो धातु रहता है, लेकिन जब कोई शुद्ध भगवान के विशुद्ध भक्त उस धातु में भगवान को आवाहन करते हैं, उन्हें प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, तो साक्षात विग्रह उसमें आकर विराजमान हो जाते हैं। इसका बहुत सारा प्रमाण है शास्त्रों में। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण पत्नी श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंद में है कि जब ब्राह्मण पत्नियों को जब एक यज्ञ ब्राह्मण लोग कर रहे थे, तो कृष्ण बलराम अपने सारे सखाओं को बोले कि जाओ कुछ प्रसाद लेके आओ, वहां से लोग यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ का प्रसाद लेके आओ। तो जब प्रसाद लेने गए तो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे तो उनकी सुना नहीं कुछ, को मांगा और सब वो आपको जवाब नहीं दिया, हाँ ना कोई जवाब दिया नहीं, ये सारे लोग वापस आ गए। और कृष्ण बलराम को बोले कि जो ब्राह्मण लोग थे कुछ जवाब दिए नहीं, तो बोले ठीक है काम करो उनकी पत्नी के पास जाओ आप। तो उनके जो ग्वाल बाल सखा थे वो ब्राह्मणों के पत्नी के पास गए, तो जब ब्राह्मण पत्नी कहा कि भगवान कृष्ण और बलराम हैं आपसे कुछ भोग मंगाए हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना भोग बनाया और सारे जो ब्राह्मण कन्याएं थी वो सब भोग बना के भगवान के पास ले आए, अब भगवान को दिया। तो उन्होंने कहा, आप देखेंगे भागवत में इसका वर्णन है कि भगवान प्रसन्न होते हैं उनका भोग से और कहते हैं कि मैं अत्यंत संतुष्ट हूं। तो ब्राह्मण पत्नी कहते अब मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं आपको दर्शन कर लिया हूं तो अब मुझे घर नहीं। तो भगवान कहते नहीं, आप घर जाइए और मेरे विग्रह स्वरूप की पूजा कीजिए, ये प्रमाण है शास्त्रों में। तो विग्रह जो जिसमें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है आचार्यों के द्वारा, वे विग्रह साक्षात होते हैं। ऐसे कई सारे प्रमाण, विग्रह बात भी करते हैं, विग्रह बोलते हैं, जैसे साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल आप सब जानते हैं, वृंदावन में साक्षी गोपाल का विग्रह थे और वो कहाँ चले गए साक्षी देने के लिए? हाँ, जगन्नाथपुरी चले गए। कैसे गए वो? चलते गए ना। तो विग्रह साक्षात भगवान है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रमाण है जो विग्रह में से भगवान प्रकट हुए हैं। जैसे आप जाओगे जगन्नाथपुरी जाओगे तो एक हैं मारकंडे, मारकंडे सरोवर है। तो मारकंडे ऋषि थे वो, मारकंडे ऋषि 5 वर्ष की अवस्था में थे, लेकिन शिव जी का महान भक्त थे वो, बहुत महान भक्त थे शिव जी का। मारकंडे ऋषि को 7 कल्प तक आयु है उनका, आज भी जिंदा है वो, चिरंजीव है वो। तो 5 वर्ष की अवस्था में थे तो शिव जी की सेवा बहुत ध्यान से करते थे। तो यमराज के दूत उनको लेने के लिए आया, उनकी आयु 5 साल की थी खरी। तो यमराज दूत भयंकर होते हैं ना, तो उनको देखा तो डर गए, तो शिवलिंग को पकड़ लिया एकदम जोर से। शिवलिंग को जो यमराज के दूत को देखा तो मार्कंडेय ऋषि क्या किए, उस शिवलिंग को दोनों हाथ से पकड़ लिए। तो जो यमराज के दूत थे इस बच्चे के ऊपर फांस मारा, जैसे फांस मारती भगवान शिव जो है, आप आज भी जाओगे शिवलिंग पे फटे हुए हैं, आज भी जाके देखो आप उधर। तो भगवान शिव जो है शिवलिंग को फाड़ करके निकल गए सीधा, और फाड़ के उससे कहा कि आप लोग क्यों लेके जाओ, बोला इनका आयु हो चुकी है 5 साल की, बोला फिर से जाकर देख के आओ चित्रगुप्त के डायरी में। तो देखने गए तो 5 साल से 5 कल्प हो गया, जो 5 साल था ना 5 कल्प हो गया। 5 कल्प मतलब कितना हो गया? ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 5 कल्प कितना हो जाएगा? 5 कल्प मतलब सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, ये चारों युग मिला के 1000 चक्र घूमता है तो 1 कल्प होता है। तो ऐसा मार्कंडेय जी का
सात कल्प, बड़ा बड़ा प्रलय होता है तभी मार्कंडेय जी सब कुछ डूब जाता है संसार में, लेकिन मार्कंडेय जी वैसे ही देखते, तभी वो लिखे हैं करा रविंद्रे न पदारविंदम मुखारविंद्रे विनिवेशयन्तम वटस्थ पत्र सियपटे सयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। क्योंकि जब ये प्रलय होता है तो प्रलय में सब कुछ जल में डूब जाता है, तो मार्कंडेय जी देख रहे हैं अब जल में डूबता है तो कष्ट होगा ना, भले मरेंगे नहीं लेकिन उबड़ू उबड़ू करेंगे पानी में, तो कष्ट उनको, तो कष्ट अनुभव होता है उनको। तो देखा उन्होंने कि एक पीपल के पत्ते पे एक छोटा सा बच्चा है जो अपने पैर के अंगूठा अपने मुंह में ले खींच रहा है, वो चूस रहा है। मार्कंडेय देखा तो सोचा ये कौन हो सकता है, इतना भयंकर प्रलय भी चल रहा है, ये कौन बच्चा है जो खींच रहा है। तो एक बार वो सांस लिया ऐसा, तो सांस लिया तो मार्कंडेय सी सांस में अंदर चले गए, है कि नहीं। अब पुरला प्रलय जब शांत हो गया तब वो भगवान को पहचान ले। तो ये मार्कंडेय ऋषि हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण है कि विग्रह जो हैं वो साक्षात, जैसे कि आप देखेंगे तो वृंदावन में जो ये राधा गोविंद देव हैं जो अभी जयपुर में हैं, राधा गोविंद देव जब गोपाल भट्ट गोस्वामी नहीं उनके ये रूप गोस्वामी थे उनके सेवक, जब भागवत क्लास डेली होता था, भागवत क्लास ना कि आज ये श्लोक चलेगा, इतना नंबर चलेगा, इतना नंबर चलेगा, तो कभी कोई भूल जाता था कि कितना नंबर चलेगा, तो विग्रह कहते थे इतना नंबर का श्लोक होगा आज। ये गोविंद देव की बात बता रहा हूँ मैं। और वही गोविंद देव हैं जो अभी जयपुर में हैं, गोविंद भास उन्होंने लिखवाया बलदेव विद्याभूषण जी को। अब ये भगवत देख रहे हैं भगवदगीता, इसके ऊपर क्या लिखा है बलदेव विद्याभूषण, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बलदेव विद्याभूषण समर्पण बल जी, क्या लिखा है इसमें, वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भास के प्रणेता। जो बलदेव विद्याभूषण जी हैं ये गोविंद भास लिखे हैं वो, और बलदेव विद्याभूषण जी क्योंकि उस टाइम पे गौड़िया वैष्णव का नेतृत्व जो है वो विश्वनाथ चौबे ठाकुर कर रहे थे, और जो भास कई साल में लिखा जाता है वो एक हफ्ते में लिख करके दे दिया। तो विग्रह में अगर भगवान साक्षात नहीं है तो विग्रह कैसे बोलते हैं। या फिर आप देख सनातन गोस्वामी पाद जब राधा गोविंद राधा मदन मोहन जी को सेवा करते थे, तो राधा मदन मोहन जी को जब वो चपाती भोग लगाते थे तो कहते थे भाई नमक तो थोड़ा दे दो कम से कम, आप सुने कि नहीं जानते कि नहीं, नमक मांगते थे नमक तो दे दो, बोले नमक मैं नहीं दे सकता, मैं सन्यासी हूं मैं कहां से लाके दूंगा, आज आप बोलते नमक दो कल बोलोगे मलाई दो बर्फी दो मैं कहां दूंगा आपको, घी दो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। तो कहने का तात्पर्य है, इससे प्रमाण ये है और भगवान स्वयं ने भी ये प्रमाण दिया है कि विग्रह के रूप में जब कोई भगवान को आराधना करके शुद्ध भक्त हृदय में लाते, हृदय के बाद जब प्राण प्रतिष्ठित करते हैं तो भगवान साक्षात विग्रह में ही आ जाते हैं। तो ये चीज है कि एक भक्त के द्वारा भगवान जो है उस विग्रह में वास करते हैं, लेकिन ये जो निराकार ब्रह्म वाले हैं इनका मानना है कि वेद में लिखा है कि भगवान की तरह कोई विग्रह नहीं बना सकता, लेकिन कल्पना करके तो जैसे जो भक्तों ने दर्शन किया है तो कल्पना करके तो विग्रह को बनाया जा सकता है, चाहे मिट्टी हो चाहे धातु हो चाहे आप पत्थर का हो किसी चीज का श्री मूर्ति बनाया जाता है, और उसमें भगवान के पांव प्रतिष्ठा करके साक्षात वही भगवान है, इसलिए भगवान प्रमाण करते हैं। और कई सारे शास्त्रों में भगवान के सारे अंगों का वर्णन है पूरे शरीर के, है ना, अगर शरीर नहीं होता तो अंग कैसे। अब एक बात, दूसरी बात, अगर भगवान निराकार है मान लीजिए एक तथ्य की बात है, तो भगवान निराकार तो संसार के सारे जीव निराकार होना चाहिए, सब निराकार होना चाहिए, तो वो साकार क्यों है, मान लो हमका हमारा रूप है तो रूप कैसे है, जब हमारे बीज कोई रूप नहीं है जिसके बीच से मैं आया हूँ। भगवान कहते हैं सर्व योनि सु कौन्तेय मृत्यु संभवन्ते साम ब्रह्म महात्मनि अहम बीज प्रदत्त पिता, सारे योनि को बीज प्रदान करने वाले पिता भगवान है, तो जब बीज ही में जब निराकार है तो साकार कैसे आएगा। अब निराकार जो बोल रहे हैं तो निराकार है इसका मतलब उसको तो कोई आकार ही नहीं है, निर्विशेष है, निर्विवाद है, तो इसलिए भगवान को अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। तो भगवान दूसरे श्लोक में स्वयं गीता में भगवान कहेंगे दूसरे श्लोक में, मैं आवेश मनीय माम नित्य युक्त उपास्ते